अब डायबिटीज़ विजन को भी इफेक्ट करता है, एनक के नंबर को डिफरेंस कर सकता है वक्त के साथ, जल्दी मोतियाँ बना देते हैं जिसको कैकट कहते हैं, और सबसे जो वर्स होता है, जो सबसे कॉज ऑफ कंसर्न होता है, वो होते हैं रेटिनोपैथी, जो पर्दे को शुगर के असरात होते हैं। For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Nazreen. I hope everybody is fine. इस कोविड टाइम्स में आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे डायबिटीज और इसके रिलेशन विद आई। डायबिटीज को उर्दू में कहते हैं ज़ियाबतीस, और आज हम इसकी बात करेंगे कि वो आंखों पे कैसे असर करता है। डायबिटीज जो है वो दो किस्म की होती है, जिसे हम कहते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो होती है जिसके अंदर एक हार्मोन जो इंसुलिन कहलाते हैं वो होता ही नहीं। बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है पैनक्रियास, उसके अंदर एक हार्मोन होता है इंसुलिन। सो टाइप 1 डायबिटीज में ये इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन बिल्कुल ही खत्म हुई होती है, और जो टाइप 2 होती है उसमें इंसुलिन होता है लेकिन उस कम मिकदार में होता है जितना बॉडी को चाहिए, उससे कम होता है। अब इन दोनों सिचुएशन में जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, डायबिटीज इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर, और ये आगे जाके आपके कुछ सालों में ये आपके बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स को इफेक्ट करता है। ये आपके किडनीज को अफेक्ट करते हैं जिसको हम नेफ्रोपैथी कहते हैं, ये आंख के पर्दे को करते हैं जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं, फिर ये आपके हार्ट को कर सकता है, साथ में आपके नर्व्स को कर सकता है, न्यूरोपैथी कहते हैं। सो कुछ सालों बाद अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, आपने उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रखा हुआ, आपकी ब्लड शुगर फास्टिंग ब्लड शुगर रैंडम जो आप घर में ग्लूकोमीटर से चेक कर सकते हैं, और अगर हीमोग्लोबिन एक लेवल होता है जो 3 महीने बाद HbA1c करते हैं वो 6 से अगर कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब कंट्रोल में नहीं है। सो अगर आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है तो ये जल्दी आपकी मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि अभी का ऑप्थल्मोलॉजिस्ट विल टॉक अबाउट रेटिना और इसके पर्दे की जो डायबिटीज़ की सिचुएशन है। अब डायबिटीज़ विजन को भी इफेक्ट करता है, एनक के नंबर को डिफरेंस कर सकता है वक्त के साथ, जल्दी मोतियाँ बना देते हैं जिसको कैकट कहते हैं, और सबसे जो वर्स होता है, जो सबसे कॉज ऑफ कंसर्न होता है, वो होते हैं रेटिनोपैथी, जो पर्दे को शुगर के असरात होते हैं। अब पर्दे के ऊपर होती हैं ब्लड वेसल्स, अभी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जैसे शुगर लेवल कंट्रोल में ना आए, या अगर आपका इंसुलिन नहीं है और डायबिटिक आप डिक्लेयर हैं, कुछ सालों बाद होता यह कि इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इतनी उनके अंदर जिस तरह खून की रवानी होती है उसको असर में आ रहा होता है, वो इतनी स्पीड से या जिस तरह प्रॉपरली गुजरना होता है वो नहीं कर रहा होता, स्टैगनेट कर रहा होता है, या दूसरा उसका एलिमेंट होता है कि वो थोड़ी सी लीकी हो जाती है खून की नालियाँ, और आँख के जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है वो लीक करना शुरू हो जाते हैं और पर्दे के ऊपर पानी के फॉर्म में आ जाते हैं। सो जब वो लीकी होती है तो उसको हम कहते हैं मैकुलर एडीमा, पर्दे के ऊपर पानी आ जाते हैं, और अगर जब वो ब्लड वेसल्स अगर उसके अंदर से जब खून की मकदार अगर निकले तो उसको हम कहते हैं हेमरेज। सो पर्दे के ऊपर खून हेमरेजेस आ जाते हैं। जैसे अगर ये बढ़ता जाएगा, अगर इसे कंट्रोल में नहीं आएगा, तो ऑक्सीजन जितनी मकदार में ज़रूरत है या न्यूट्रिएंट्स जितनी मकदार में ज़रूरत है पर्दे के ऊपर, वो नहीं उसको आ रही होती, तो जिस वजह से वो नई खून की नालियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, और ये जो नई खून की नालियाँ पर्दे पर होती हैं ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो ये भी खून लीक करती हैं, तो जिस वजह से बाद में रेटल हेमरेजेस और विट्रस हेमरेजेस पर्दे पर खून आ जाता है, तो पर्दे की इंसान की नज़र बड़ी जल्दी ड्रॉप करती है। अच्छा, अब ये सारी की सारी सिचुएशन जब एक दफ़ा आ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर आपको इंजेक्शंस और चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप स्क्रीन करें, और आपका जो जब डायबिटिक डिक्लेयर हो गए तो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को आके या आपके फिजिशियन आपको रेफर करें, और ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को आके आप अपनी ब्लेस लाइन पर्दे की एग्जामिनेशन आँख की पूरी मुआयना करें। एक दफ़ा जब हो जाए ठीक है, सब ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो आप साल में एक दफ़ा, जिस तरह आप इंसान अपनी रेगुलर टेस्ट भी करवा रहे होते हो, तो साल में एक दफ़ा पर्दा और आई की एग्जामिनेशन करवा लें कि सब ठीक ठाक जा रहा है। अगर किसी को पर्दे पे कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी फॉर्म में, तो फिर आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करनी पड़ती है एग्जामिनेशन की, आपको 3 महीने 6 महीने 9 महीने डिपेंडिंग कि आपका ऑप्थल्मोलॉजिस्ट आपको कैसे बुलाते हैं, उसकी आपकी ट्रीटमेंट होगी। अब ट्रीटमेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल रखें, आप अपना शुगर लेवल कम करें, साथ में अपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये सारे इंटरमिंगल्ड है, एक अगर ठीक नहीं होगा तो दूसरा भी इफेक्टेड हो जाता है, सो ये हैंड इन हैंड चलती है। रेगुलर एग्जामिनेशन फिजिशियन से करवाएं, रेगुलर आई एग्जामिनेशन करवाएं, ताकि आपकी हर चीज़ अंडर कंट्रोल रहे, और 3 मंथ्स के बाद हीमोग्लोबिन H1C का टेस्ट होता है जिसमें 6 से कम मकदार में आना चाहिए, अगर वो ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आपकी शुगर लेवल परफेक्ट जा रही है। और ट्रीटमेंट जो होती है इंसुलिन है या आपकी जो दवाइयों से हो रहा है वो आपका फिजिशियन आपको हेल्प करेगा।
अब आपकी आई के एग्जामिनेशन में अगर आपकी आंख में पर्दे पे आ गया है, पानी आ गया, ये खून की नालियां बन रही है, तो उसके ट्रीटमेंट्स हैं। घबराने वाली बात नहीं होती, आपको एग्जामिनेशन लेना है और अपनी कंडीशन को ज़रा एहतियात से सीरियसली इसको समझना। इसके लिए जो है आपकी आई के लिए इंजेक्शंस मौजूद होते हैं जिनको हम एंटी वीजीएफ्स एंटी वास्कुलर इंट्रैक्यूलर ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं। ये आपकी आंख में जब आई में लगता है इंजेक्शन, तो ये आपके जो पर्दे के ऊपर पानी आता है जिसको मैकुलर एडीमा कहते हैं, उसको अब्जॉर्ब करने की मदद करता है, जल्दी अब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये मंथली इंजेक्शन लगते हैं और फिर जब जो पर्दे पे नहीं होता, सब क्लीन हो जाता है, तो आप सिर्फ फॉलोअप में रहते हैं। जब ये होगा तो उसको आप दोबारा इंजेक्शन को भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर खून की नालियाँ बन रही हैं और आपको जिसे कहते हैं प्रोलिफ्रेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी अगली स्टेज पे जा रहे हैं, तो पर्दे पे हम लेज़र लगाते हैं। वो लेज़र ये होता है कि ऑक्सीजन जो जितनी चाहिए, ऑक्सीजन डिमांड को लेज़र के थ्रू हम पर्दे पे ज़्यादा जो देखने वाली जगह उनको हम पहुँचाते हैं, और लेज़र जो दूसरे एरियाज पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको वो मैनेज कर लेते हैं। सो पर्दे के डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम लेज़र से करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने में से हम पीछे नहीं कर सकते, लेकिन प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। आपको एडीमा जो पानी आ जाता है वो इंजेक्शन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। कभी एक बार हम इसके अलावा जो होते हैं रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं, और इनको जो है बहुत ज़्यादा अगर हो जाए, फर्ज करें कि डैमेज हो जाए, बहुत ज़्यादा पर्दे के ऊपर खून आ जाए, तो हम सर्जिकली भी इस खून को साफ कर सकते हैं और वेशन को पूरी कोशिश कर सकते हैं कि इसको बचा के रखें। एहतियात ज़रूरी है। आपको अगर डायबिटिक है, डायबिटीज़ है, तो अपना एहतियात और अपना इलाज करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर फॉलोअप्स की ज़रूरत है, आपके फिजिशियन से फॉलोअप की आपकी ज़रूरत है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के साथ आपको अपनी फॉलोअप की ज़रूरत है, ताकि आपको अल्लाह ने जो नेमत दी है नज़र के फॉर्म में कि जब दुनिया देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, इसको आप बरकरार और मेंटेन रख सकें। इसके लिए अगर आपको मैं इस छोटे से टाइम पे जितना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती थी डायबिटीज़ और आई रिलेशन मैंने की हैं, इन केस अगर आपने कोई चीज़ अगर आपने कोई सवाल करना हो, तो आप मरहम की ऑनलाइन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं मेरे साथ, या आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मरहम के थ्रू, एंड वी विल टॉक एंड वी कैन एक्सप्लेन यू फर्दर, और एक्सप्लेन कर सकते हैं रिगार्डिंग कि डायबिटीज़ और आँखों की उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। और इंशाल्लाह जिंदगी और नज़र बरकरार रहेगी जब तक खुदा की ये देन है और जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी है। कुछ चीज़ें उसके हाथ में हैं, कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपनी नज़र का ध्यान रखें, अपनी बीमारियों को समझें, पढ़ें और अपने आप को सेफ रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रह गई तो फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।